हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार गुरुवान ट्यूब पर। तो जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में यही छोड़ा था, परसेंटेज का कुछ हमने पढ़ाया था और नेक्स्ट टाइप हमने छोड़ दिया था। तो अब देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और हम आज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो तो बेसिक था, अब हम लोग टाइप्स पे आते हैं और आज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी जनसंख्या पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिएगा देखते हैं पॉपुलेशन बेस्ड के क्वेश्चंस में। पहले एक वर्ष का देखेंगे, फिर दो वर्ष का देखेंगे, फिर तीन वर्ष का देखेंगे। और तीन वर्ष से ज्यादा आता भी नहीं है, कम ज्यादा घटना बढ़ना लगा ही रहता है, लेकिन एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष यही देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं पहले वर्ष, एक वर्ष वाला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है, किसी शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 10% बढ़ने के बाद 132,000 हो जाएगी। यदि वह इतना बढ़ेगी तो 132,000 हो जाएगी, तो शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए 10% बढ़ने के बाद। यदि इतना हो रहा है तो सीधी सी बात, अगर आप बेसिक में करते तो यही करते, बढ़ने के बाद तो आप कहते यक्ष का 110% बराबर 132,000। तब आप इसे सॉल्व करते, x गुणे 110 बटा 100 बराबर 132। फिर अगर आप थोड़ा स्मार्ट होते तब आप करते क्या कि आप काटना शुरू करते। तो कैसे काटते, इससे इसको काट देते। फिर आप करते क्या कि जब आप इससे इसको काट देते तो फिर अब आप इधर से करते, देख लीजिए यहां से करते, एक दो ये होता, और फिर इस 10 का इधर जब आप गुणा करते तो x मिलता आपको 120, 120,000, है ना, 120,000। लेकिन अब आप इतना कब तक करेंगे, अब आप थोड़ा हार्ड वर्क तो सब करते हैं ना, केवल हार्ड वर्क में सिलेक्शन मिलेगा और ना किसी में। अगर आप कम काम करेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो उसका मतलब नहीं है, जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं सीखेंगे। स्मार्ट वर्क आपका क्या कहता है, 10% का मतलब आपने अभी सीखा 1/10 यही सीखा था। तो सीधी सी बात है, शहर की जनसंख्या पहले 10 थी, फिर बढ़ने के बाद कितना हो गई, 11। तो इसी 11 रेशियो का मान आपको क्या मिला, 132,000। इस 11 रेशियो का मान आपको क्या मिला, 132,000। तब आप यहां से निकालेंगे एक रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान आप निकालिए, तो यहां से क्या होगा, 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22 यानी 12,000। तो 10 रेशियो का मान आपको क्या मिलेगा, 120,000। और यही आपका क्या है आंसर, यानी शहर की जनसंख्या क्या होगी, 120,000। अब आपको बेसिक नहीं करना है, केवल इतनी ही बातों पे आपको फोकस करना है कि आपने जो टेबल रीड किया था अभी, बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 10% दिख रहा है, ये वैल्यू आपको दिखनी चाहिए, अगर नहीं दिख रही है आपकी कमी है। और आप ये भी मत कीजिएगा कि क्लास देखते समय बस ऐसे देखते रहिए, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 20% घटने के बाद क्या होगी, यदि शहर की जनसंख्या 20,000 है। शहर की जनसंख्या क्या है, 20,000 है, एक वर्ष में 20% घटने के बाद क्या होगा। देखिए यहां पे तो बढ़ी थी, यहां पे क्या हुआ था, बढ़ा था, अब यहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है कितना। अगर 20% की बात करें तो जैसे 20% दिखा तो हमें 1/5 दिखना चाहिए, और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले शहर की जनसंख्या थी 5 और एक वर्ष बाद क्या हो गई, जब 5 में से 1 गए 4। पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 5 और घटने के बाद हुई क्या, 4। और ये बताना है आपको कि कितनी हुई थी, यदि 5 रेशियो का मान क्या मिला आपको, 20,000। तो एक रेशियो का मान यहां से निकालना है, तो एक रेशियो का मान क्या मिला आपको, 4,000। तो फिर 4 रेशियो का मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या, यहां से 4,000 का मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या मिला, 16,000। और यही आपका क्या होगा आंसर, यानी एक साल बाद
शहर की जनसंख्या जब घटेगी, कितना घटेगी 20%, तो यहाँ से देखिएगा 20,000 का जब 20% घटेगा कितना मिला 16,000। बस यही रहा आपका आंसर। अब देखिएगा यहाँ से देखें, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तो दो वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताइए यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 10% का मतलब है कि यहाँ से आपको 1/10 दिखना चाहिए, और 25% का मतलब है कि यहाँ से आपको 1/4 दिखना चाहिए। अब देखिएगा एक बात और समझिएगा, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है, सीधी सी बात है, बढ़ रही यानी प्लस होगी, कहीं पे घटी तो नहीं, बढ़ी ही। तो ध्यान दीजिएगा, अब जब 10% और 25% बढ़ी तो देखिएगा पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 10, बढ़ने के बाद क्या हुई 11, और पहले यहाँ दूसरे वर्ष फिर क्या 4 और बढ़ने के बाद 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं करना, इसका मतलब क्या मिला आपको 10×4=40, दोनों का गुणा कीजिएगा, यहाँ से इसका गुणा और यहाँ से इसका गुणा, तो ये क्या हुआ 40 और ये क्या हुआ 55। तो 40:1 का मान आपको क्या मिल रहा है 40,000, क्योंकि ये शहर की जनसंख्या कितनी है 40,000, तो 1:1 का मान यदि आप यहाँ से निकालेंगे क्या मिलेगा आपको 0 से 0 1:1 का मान मिला आपको 1,000। तो 55:1 का मान क्या मिलेगा, आपने कहा × 1,000, तो यहाँ से मिला आपको 55 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, इसके लिए आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं करना है, केवल आपको ध्यान ये देना है कम और ज्यादा, कहाँ घट रही कहाँ बढ़ रही, बस इतनी ही बातों पे ध्यान देना है और फोकस कीजिएगा इधर। ध्यान दीजिए, किसी गाँव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है, 20% का मतलब 1/5 बढ़ रही यानी प्लस, और दूसरे वर्ष क्या होती है, लेकिन दूसरे वर्ष महामारी की वजह से 25% घटती है, महामारी आ गई तो 25% घटी, तो 25% का फ्रैक्शन क्या बना 1/4 और ये क्या हुआ घटी है, दूसरे वर्ष क्या हुआ घटी है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है तो दो वर्ष बाद क्या होगी, इसको कैसे पता चला कि महामारी आ ही जाएगी दूसरे वर्ष, चलिए क्वेश्चन है कहीं से भी बन सकता है, महामारी मान ही लीजिए दो वर्ष बाद आएगी। तो ध्यान दीजिएगा पहले वर्ष क्या हुआ 5 से 6 हो गया, पहले वर्ष 5 से 6 हो गया, और दूसरे वर्ष किया क्या, दूसरे वर्ष 4 से 3 हो गई, 4 से 3 हो गई। तो ध्यान दीजिएगा यहां से 5×20, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, और 6×3=18, 20:1 का मान यदि आपको मिल रहा है कितना 2000, तो सीधी सी बात है 1:1 का मान आपको यहां से क्या मिलने वाला है, 1:1 का मान मिलेगा 0 से 0 100, तो फिर 18:1 का मान आपको बताना है, तो × 18 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 100×18 यानी कि 1800, क्या होगा 1800, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, समझ रहे हैं बात को। अब चलेगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, या 5 नंबर, ठीक है, थर्ड टाइप 5 नंबर, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% घटती है, और तीसरे वर्ष 40% बढ़ने के बाद 1,40,000 हो जाती है, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखिएगा मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, टेबल अच्छे से लर्न कीजिएगा तभी आप कर सकते हैं एकदम कम समय। अब देखिए तुरंत तुरंत हो जाएगा, अब जैसे यहाँ से अगर आपको नजर आ गया 25% का मतलब 1/4 और ये क्या हो रही बढ़ रही, इसलिए हमने किया यहाँ पे प्लस, और सेकेंड वर्ष 20% घटी, 20% का मतलब 1/5 और ये क्या हो रहा है घट रही, इसलिए हमने किया माइनस, तीसरे वर्ष क्या होगा 40% का मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, 40% का मतलब यह भी हो सकता है 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 40%, ये क्या हो रहा है बढ़ रही है, बस बात खत्म, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। आप देखिएगा ये क्या हुआ, पहले वर्ष 4 से हुई 5 क्योंकि बढ़ी, यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड में क्या हुआ 5 से क्या हो गई 4। अब तीसरे वर्ष की कहानी देखिएगा, तीसरे वर्ष क्या था 5 से हुई
सात। तीसरे वर्ष क्या हो गई, पांच से सात। बस पूरा का पूरा मैटर खत्म। अब आप यहाँ पे देखिएगा, या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो आप उससे भी साठ आइए। जब अपने ही चेहरे किसी और के घर में देखे जाते हैं तो क्या होते हैं, मर्डर हो जाते हैं। तो बस वही कीजिए कि चार से चार काटिए, पांच से पांच काटिए, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, पांच और सात। अब देखिए फिर से आप समझ लीजिएगा, यहां से आप अगर आप गुणा करते हैं पांच को, बीस पंजे सौ, पांच पंजे बीस पंजे सौ भी आप कर सकते हैं, और पांच को बीस सत्ते एक सौ चालीस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से 100 और 140 अगर इसका आप अनुपातिक रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा 5 और 7। तो क्यों परेशान होना, बिल्कुल नहीं। इस 4 से इस 4 को कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 5 और 7। इस 7 रेशियो का मान मिला आपको 140,000। एक रेशियो का मान क्या मिला, एक रेशियो का मान 20। तो फिर 5 रेशियो का मान क्या मिलेगा आपको, 20 पंजे 100 यानी 100,000। क्या मिला आपको, 100,000। यानी शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, 100,000, ठीक है। अब चलेगा इसको देखेगा, सब कुछ लिखा है, वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखेगा इसके लिए, आप देखिएगा यहां से आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आप देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष क्या थी, 20% बढ़ी, तो यहां से लिखिएगा फर्स्ट, और यहां लिखिएगा सेकेंड, और यहाँ लिखिएगा थर्ड। थोड़ा और स्मार्ट वर्क। अब देखेंगे यहां से अगर हम बात करें तो बढ़ी कितना, 20%। 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5, 1/5। तो पहले वर्ष 5 थी, बढ़ने के बाद हुई कितना, 6। 5 थी, बढ़ने के बाद हुई कितना, 6। अब देखिएगा दूसरे वर्ष 25% घटी, 25% घटी, यानी क्या है, 25% का फ्रैक्शन है 1/4। यहाँ पे दूसरे वर्ष बढ़ी, अच्छा बढ़ी है, ठीक है, 4 से 5 हुआ। तीसरे वर्ष किसी कारण से जनसंख्या 33.3% घट जाती है। 33.3 का मतलब है क्या, और यहां से घटी 3 से 1 घटी, हुई कितना, 2। अब आपका आंसर देखना है, तो यहां से क्या कहा, घट जाने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 10,000। तो प्रारंभिक जनसंख्या बताइए, इसकी वैल्यू दे रखा है उसने, और ये बताना है आपको। तो यहां से देखिएगा आपको करना क्या है, 5 से 5 कैंसिल, है ना, 3 2 जा, है ना, तो 3 2 जा और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, बात खत्म। यानी कितनी थी जनसंख्या, 1:1, 1 का मान ये 10,000, तो इसका भी मान क्या होगा, 10,000 ही होगा। और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, बस आपको ध्यान ये रखना है कब बात घटने की हो रही है और कब बात बढ़ने की हो रही है। जब घटेगी तो आप माइनस कीजिएगा, जब बढ़ेगी तो प्लस कीजिएगा, बस इतनी ही बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, तो बस वर्टिकल डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको सेम डिजिट आमने सामने दिख रहे हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और आप लास्ट में रेशियो के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिएगा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए इतना कीजिएगा जरूर, ताकि हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए वालों को तो सब कुछ करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।